नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल करियर स्टडी IQ में। आज हम 2 मई 2020 की नेशनल करंट अफेयर करेंगे और आज के करंट अफेयर की PDF वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में वर्ल्ड टेबना डे कब बनाया गया? हमारे ऑप्शन 2 मई, 1 मई, 30 अप्रैल, 29 अप्रैल। इसका आंसर है 2 मई को। हर साल 2 मई को विश्व स्तर पर वर्ल्ड टेबना डे मनाया जाता है। यह दिन संयुक्त राष्ट्र द्वारा ट्यूना मछली के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए शुरू किया गया। इसे पहली बार साल 2017 में बनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार विश्व में कई देशों खाद्य सुरक्षा और पोषण दोनों के लिए ट्यूना फिश पर निर्भर है। वर्तमान में 96 से अधिक देशों में ट्यूना मछली पालन किया जाता है और इसकी क्षमता लगातार बढ़ रही है। 2 मई 2017 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त विश्व ट्यूना दिवस बनाया गया। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में MSME मंत्रालय के सचिव का कार्यभार किसने संभाला है? हमारे ऑप्शन है अरविंद कुमार शर्मा, दीपक मित्तल, सुरेंद्र सिंह, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है अरविंद कुमार शर्मा ने। अरविंद कुमार शर्मा ने सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के सचिव का कार्यभार ग्रहण कर लिया। उनकी नियुक्ति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था। MSME मंत्रालय के सचिव के रूप में पदभार संभालने से पहले वह प्रधानमंत्री कार्यालय PMO में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्यरत थे। अरविंद कुमार शर्मा गुजरात कैंटर के 1988 बैच के IAS अधिकारी हैं। ये गुजरात सरकार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं उद्योग मंत्री हैं नितिन जयराम गडकरी। मेरा अगला प्रश्न है, हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव का पदभार किसने संभाला है? हमारे ऑप्शन है गिरिधर अरमाने, पीयूष श्रीवास्तव, सुरेश एन पटेल, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है गिरिधर अरमाने को। गिरिधर अरमाने ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाल लिया है। उनकी नियुक्ति की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा अनुमति मिलने के बाद की गई है। उन्हें संजीव रंजन की जगह नियुक्त किया गया है, जिन्हें शिपिंग मंत्रालय में सचिव नियुक्त किया गया है। गिरिधर अरमाने आंध्र प्रदेश कैडर के 1988 बैच के IAS अधिकारी हैं। मॉर्थ के सचिव के रूप में कार्यभार संभालने से पहले वह कैबिनेट सचिवालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में भी कार्यरत थे। इसके अलावा उन्होंने 2012 से 2014 तक पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में भी कार्य किया है। वे आंध्र प्रदेश सरकार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं नितिन जयराम गडकरी। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में अतुल्य नामक एक माइक्रोवेव स्टेरलाइजर किसने विकसित किया? हमारा ऑप्शन IIT दिल्ली, IIT गुवाहाटी, IIT मद्रास, पुणे के डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। इसका सही आंसर है पुणे के एडवांस्ड इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ने। पुणे के डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी द्वारा अतुल्य नामक एक माइक्रोवेव सेटेलाइजर विकसित किया गया है। माइक्रोवेव सेटेलाइजर अतुल्य 56 डिग्री से 60 डिग्री सेल्सियस तापमान में विभेदकारी हीटिंग की मदद से COVID-19 वायरस का विघटन करेगा। माइक्रोवेव सेटेलाइजर अतुल्य सिस्टम का वजन लगभग 3 किलोग्राम और इसका उपयोग केवल गैर मेटेलिक वस्तु के स्टेलाइजेशन के लिए किया जा सकता है। इस सिस्टम का मानव सुरक्षा के लिए परीक्षण किया एवं इसे सुरक्षित पाया गया। इसे पोर्टेबल या फिक्स्ड इंस्टॉलेशन में प्रचालित किया जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में COVID-19 से निपटने के लिए यस कार्यक्रम किसने लॉन्च किया है? हमारा ऑप्शन है NCSTC, DST एंड बी, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ए एंड बी दोनों। नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन और विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग ने COVID-19 पर केंद्रित एक स्वास्थ्य एवं जोखिम संचार कम्युनिकेशन कार्यक्रम ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ यह शुरू किया है। यह स्वास्थ्य के संबंध में जमीनी स्तर पर बेहतरी और प्रतिक्रिया को बढ़ाने देने के लिए शुरू की गई एक व्यापक विज्ञान और स्वास्थ्य संचार पहल है। इस पहल का उद्देश्य सार्वजनिक सहभागिता को प्रोत्साहित करना और समुदायों को COVID-19 के प्रति जागरूकता की भावना को बढ़ाने के में मदद करना है। इसके द्वारा सरकारी जानकारी से संबंधित निर्णय ले सकेंगी और इससे संबंधित जोखिमों का प्रबंधन कर पाएंगी। यह कार्यक्रम जोखिम और इससे संबंधित चुनौतियों, समाधानों और इस परिस्थिति से जुड़ने वाले लोगों में साहस एवं आत्मविश्वास पैदा करने के साथ ही लक्षित समूह के बीच व्यवहार में परिवर्तन लाएगा। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं हर्षवर्धन।
मेरा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस टेनिस खिलाड़ी को एशिया ओशेनिया जोन से फेड कप हार्ट अवार्ड के लिए नामित किया गया? मेरा ऑप्शन सानिया मिर्जा, साइना नेहवाल, मैरी कॉम, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सानिया मिर्जा को। भारत की टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा को एशिया ओशेनिया जोन से फेड कप हार्ट अवार्ड के लिए नामित किया गया है। यह उपलब्धि हासिल करने वाली वह भारत की पहली खिलाड़ी हैं। कोयला मंत्रालय ने कोयला खदानों के निरंतर परिचालन के लिए किस इकाई की स्थापना की? हमारे ऑप्शन है PMU, AMU, JMU, CMO। इसका सही आंसर है PMU। कोयला मंत्रालय द्वारा एक परियोजना निगरानी इकाई की स्थापना की गई है, इसका नाम है PMU। PMU की फुल फॉर्म है प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट। इस परियोजना निगरानी इकाई को स्थापित करने का उद्देश्य है केंद्र सरकार द्वारा आवंटित की गई कोयला खानों के शीघ्र परिचालन को सुगम बनाना है। यह इकाई कोल खदानों के परिचालन के लिए केंद्र राज्य सरकार कोई अधिकारियों से जरूरी विभिन्न मंजूरी दिलवाने करने में मदद करेगी। इसे कोयला उद्योगों में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा। आवंटित कोयला खदानों को निर्देश दिया गया है कि वे जल्द से जल्द कोयला उत्पादन फिर से शुरू करने के लिए अपने मुद्दों को हल करने में सलाहकार की सेवाओं का उपयोग करें। इसलिए परियोजना निगरानी इकाई कोयला उद्योग में उत्पादन के साथ साथ कारोबारी माहौल को अनुकूल बनाने में मदद करेगी। केंद्रीय कोयला मंत्री हैं प्रहलाद जोशी। मेरा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने होम डिलीवरी के जरिए गैर जरूरी चीजों की बिक्री को मंजूरी दे दी है? मेरा ऑप्शन केरल सरकार, पंजाब सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार, बिहार सरकार। इसका सही आंसर है पश्चिम बंगाल सरकार ने। पश्चिम बंगाल सरकार ने हाल ही में होम डिलीवरी के जरिए गैर जरूरी चीज़ों की बिक्री को मंजूरी दे दी है, लेकिन बाजारों में अभी राज्य सरकार की ओर से व्यापक दिशा निर्देश नहीं जारी किए गए हैं। मेरा अगला प्रश्न है, भारत सहित कितने देशों ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद के 11वें स्तर में हिस्सा लिया है? मेरा ऑप्शन 10 देशों ने, 20 देशों ने, 30 देशों ने, 50 देशों ने। इसका सही आंसर है 30 देशों ने। भारत सहित 30 देशों ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद के 11वें सत्र में हिस्सा लिया है। इस 11वें स्तर में जलवायु तकनीक के बारे में चर्चा की और कहा कि यह कम कीमत पर उपलब्ध होनी चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के किस खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर चुना गया? हमारा ऑप्शन है रोस टेलर, जेम्स कैमरून, कैन विलियमसन, स्टीव स्मिथ। इसका सही आंसर है कैन विलियमसन को। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के कैन विलियमसन और महिला क्रिकेट टीम के खिलाड़ी सूजी वेस्ट को सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर चुना गया है, जबकि रॉस टेलर को पुरुष T20, जबकि सोफ डिवाइन को महिला T20 का अवार्ड दिया गया है। मेरा अगला प्रश्न है, ICL टीम एफसी गोवा ने सर्जियो लोबेरो सब्जी सर्जियो लोबेरा किस जगह किसे नया मुख्य कोच नियुक्त किया गया? हमारे ऑप्शन है युआन फर्नांडो, बेलवेद गविनेत, कैमरून एस्टर, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है युआन फर्नांडो को। ICL टीम एफसी गोवा ने सर्जियो लेबेरा किस जगह युआन फर्नांडो को नया मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। पिछले स्तर में सर्जियो लेबेरा को बर्खास्त कर दिया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, ICC टेस्ट रैंकिंग में भारतीय क्रिकेट टीम को पीछे छोड़कर कौन सी टीम पहले स्थान पर पहुंच गई है? हमारे ऑप्शन है पाकिस्तान क्रिकेट टीम, साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम, श्रीलंका क्रिकेट टीम। इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम। हाल ही में जारी ICC टेस्ट रैंकिंग में भारतीय टीम को पीछे छोड़कर ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम पहले स्थान पर पहुंच गई है। भारतीय क्रिकेट टीम ने अक्टूबर 2016 के बाद पहली बार टेस्ट रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया था। भारतीय क्रिकेट टीम फिलहाल तीसरे स्थान पर है और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम इसमें पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में सुर्खियों में रही प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट किस उद्योग से संबंधित? हमारा ऑप्शन है कोयला उद्योग, वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है कोयला उद्योग से। केंद्र सरकार ने कोयला खदानों में संचालन के लिए केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों को से आवश्यक विभिन्न मंजूरी प्राप्त करने में मदद करने के लिए हाल ही में एक प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट PMU शुरू की है। इस फैसले से खदानों के संचालन के लिए समय पर मंजूरी प्राप्त करने के लिए कोयला खदानों के आवंटन को सक्षम करने की उम्मीद है,
इससे भारत में व्यापार करने में आसानी होगी। इससे भारत में कोयले के उत्पादन में भी सुधार होने की उम्मीद है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने हिजबुल्ला को एक आतंकवादी संगठन नामित किया है? हमारे ऑप्शन है जर्मनी, फ्रांस, नेपाल, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है जर्मनी देश ने। हाल ही में जर्मनी ने ईरान समर्थित हिजबुल्ला को एक आतंकवादी संगठन नामित किया है। साथ ही जर्मनी ने अपनी धरती पर हिजबुल्ला की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। हिजबुल्ला लेबनान आधारित एक सशस्त्र शिया इस्लाम समूह है। जर्मनी एक पश्चिमी यूरोपीय देश है। यह अपने वनों, नदियों, पर्वत श्रृंखलाओं और उत्तरी समुद्र तटों के लिए प्रसिद्ध है। इसकी राजधानी बर्लिन और इसकी मुद्रा यूरो है। मेरा आज का आखिरी प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की कोविल पट्टी कदलाई मिताई को भौगोलिक संकेत या जीआई टैग प्रदान किया गया? हमारा ऑप्शन तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है तमिलनाडु। हाल ही में तमिलनाडु की प्रसिद्ध कोविल पट्टी कदलाई मिताई को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है। कोविल पट्टी कदलाई मिताई एक केड़ी है जो मूंगफली और गुड़ से बनाई जाती है। उसके ऊपर गुलाबी, हरे और पीले रंग में रंगा हुआ कसा नारियल सजाया जाता है। इसे एकल आयताकार चक्स के रूप में बेचा जाता है या इसे कोई बाइट्स को पैकेट में सील कर दिया जाता है। थामी बरानी नदी के पानी का उपयोग उत्पादन में किया जाता है जो प्राकृतिक रूप से स्वाद को बढ़ाता है। जीआई टैग अब इस ब्रांड को एक अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों तक पहुँचाने में मदद करेगा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो आप मेरे यूट्यूब चैनल करियर स्टडी आई को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड इसके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।